और ये बात जानने के आप लोग पूरे पूरे हकदार हैं। YouTube से मुझे एक मौका मिला जो कि मेरे लिए तो बहुत बड़ा मौका, मैं सिल्वर प्ले बटन से कम नहीं है मेरे लिए तो, मेरा आप लोगों की प्राची को ये मौका मिला है। लेकिन एक लगता है ना यार कि चलो इस इवेंट में जाने का मौका मिल रहा है तो एक अच्छी सी ड्रेस हो, अच्छे से तैयार होके जाए। देखो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है एक यूट्यूबर के लिए कि यूट्यूब आपको इस इवेंट में इनवाइट करे, नहीं है, लेकिन मैं सच बोलती हूँ यार, सच के सिवा कुछ नहीं बोलती हूँ इसलिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत बड़ी बात जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। ये बात मैंने पहले भी एक ब्लॉग में बोली है, बट क्या पता किसी ने स्किप करके देख लिया हो, तो क्या पता उन लोगों को पता ना हो। और ये बात जानने के आप लोग पूरे पूरे हकदार हैं। और साथ ही मैं इस चीज़ को एक याद के तौर पर अपने चैनल पे रखना चाहती थी, मेमोरी बना के, ठीक है। अब आप लोग उस गुड न्यूज़ को जानने के क्यों हकदार है? क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, ठीक है। आप लोग मेरी खुशी में खुश होते हो और मेरे दुख में दुखी होते हो। आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, मेरी वीडियोज़ देखते हो, है ना। तो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, वीडियोस बनाई, मेहनत की, आप लोगों ने मुझे देखा, सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब से अर्न कर पाई। मेरी मेहनत प्लस आप लोगों का सपोर्ट जिसकी वजह से मैं अर्न कर पाती हूँ। हर यूट्यूबर, हर क्रिएटर जो है वो आपको देखने वालों की वजह से भी अर्न करता है ना। खुद की मेहनत तो होती है, लेकिन जो उसे देखते हैं, सराहते हैं, उनकी वजह से भी तो वो अर्निंग होती है ना। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो जिसकी वजह से मैं अर्न करती हूँ, और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही, मेरी मेहनत प्लस आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही यूट्यूब से मुझे एक मौका मिला जो कि मेरे लिए तो बहुत बड़ा मौका मैं मानती हूँ, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं मानती हूँ। मेरे लिए वो जो मौका है वो सिल्वर प्ले बटन से कम नहीं है मेरे लिए तो। मेरा पर्सनल जो सोचना है ना वो ये है कि ये चीज़ ना मेरे लिए सिल्वर प्ले बटन से कम नहीं है। ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी बट प्रॉपर वे में नहीं की थी, तो मैं एक इसे याद बना के भी रखना चाहती हूँ। प्लस मैं अपनी YouTube फैमिली से अपनी खुशी शेयर करना चाहती हूँ और उन्हें बताना चाहती हूँ कि आप लोगों की प्राची को ये मौका मिला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वो खुशी क्या है, वो गुड न्यूज़ क्या है, हालांकि अभी मैंने क्या किया है पूरा स्टोरी मैं आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत बड़े मौके से कम नहीं था इसलिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 17 जून को मैं पहुंची थी देहरादून, ठीक है। तो देहरादून जब मैं पहुंची तो मुझे एक मेल आता है, मैं जा रही थी रोबर्ट्स केव की तरफ, और जैसे ही मेल आता है मैं चेक करती हूँ, मैं बोलती हूँ अरे इलू अथक थी, मेरी सिस्टर भी साथ में थी, कि मुझे तो मेल आया है यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव इवेंट में इनविटेशन का। बच्चे भी बहुत खुश हो गए, ओ मम्मी ओ मौसी ये तो ज़रूर जाना, ये तो ज़रूर अटेंड करना, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एक यूट्यूबर के लिए ये इवेंट बहुत मायने रखता है। यहाँ पे इस इवेंट में हम जाकर बड़े बड़े क्रिएटर से भी मिल सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, बहुत कुछ होता है ना। तो इस इवेंट में जाना ना एक सपने के जैसे होता है। तो ये मेल मुझे 17 जून को आता है, तो मेरे लिए बताओ कितनी खुशी की बात होगी। हालांकि बहुत लोगों को आता है, यूट्यूब सेलेक्ट करता है, और ये मेल जिन जिन को आता है वही ये इवेंट जो है अटेंड कर सकते हैं। तो अभी काफ़ी टाइम तक से ये इवेंट चल रहा है यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव, कभी पटना में हो रहा है तो कभी कोची में हो रहा है, कभी कहीं, ठीक है। तो ऐसे ही ये जयपुर में भी हुआ था, बट मेरी गलती की वजह से मैं जयपुर वाला तो अटेंड नहीं कर पाई। अब बच्चों ने बहुत फोर्स किया, बट हम देहरादून मसूरी के ट्रिप पे थे तो मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाई। मैं सोचती रही कि करवाऊँ ना करवाऊँ ऐसे करके, तो ऐसे करके मेरे जो फैमिली है, मेरी मम्मी, मेरा भैया, मेरी भाभी, मेरी सिस्टर अथक और इलू और मेरे हस्बैंड, इन सब ने बोला कि तुम्हें इस इवेंट में जाना चाहिए, तुम्हें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। तो ऐसे करते करते मैंने 26 जून को रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसमें कि मैं जयपुर वाले इवेंट के लिए तो लेट हो गई, क्योंकि उस टाइम तक जयपुर वालों को सीट बुक हो चुकी होगी, कन्फर्मेशन मेल ही आ जाता है इतने दिनों में। तो 30 जून को जयपुर में था, जो कि मुझे अब पता चला है, मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने 26 जून को रजिस्ट्रेशन करवाया, तो मुझे जयपुर जो है वो शो नहीं हुआ। तो 26 जून को मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया और बहुत सारे ऑप्शंस थे, चेन्नई में आप कर सकते थे, आप गुवाहाटी वाला भी कर सकते, आपके पास यहाँ से जो भी पास पड़ता है वहाँ पे आप कर सकते थे। अगर आपकी सिटी में है तो बहुत ही अच्छा है, जो कि मैं तो स्किप कर चुकी थी, बट मेरे पास अभी ऑप्शन थे नोएडा और गुड़गांव का।
तो मैंने सेलेक्ट किया गुड़गांव, क्योंकि जयपुर से गुड़गांव फिर नोएडा आता है तो सबसे करीब गुड़गांव पड़ रहा था। तो मैंने 26 जून को रजिस्ट्रेशन करवाया इस इवेंट के लिए, ठीक है। फिर मैं वेट करती रही क्योंकि कहा जाता है कि कंफर्मेशन मेल आता है, ठीक है, मुझे पक्का था कि मुझे मेल आएगा ही आएगा। तो बस फिर मैं अपने कामों में लगी, ये वो, आप लोगों के साथ मैंने ये चीज़ शेयर भी की थी। फिर जो है 21 अगस्त को मेल आता है, कन्फर्मेशन मेल मेरे पास आ जाता है कि हाँ आपका जो सीट है, आपका जो स्पॉट है वो बुक हो चुका है। और ये ऑनली कन्फर्मेशन मेल था जिसमें कि ये नहीं बताया गया था कि कहाँ पे है और आपका कोड क्या, एक कोड दिया जाता है जिससे कि आपको वो शो करना होता है वहाँ पे जाके, जिस जगह पे इवेंट हो रहा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो कोड आप शो करते हो और फिर आपको एंट्री मिलती है, और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है एक यूट्यूबर के लिए। तो ठीक है, तो कंफर्मेशन मेल आ गया, लेकिन मैं 2-3 दिन से बहुत टेंशन में आ गई क्योंकि मैं रक्षाबंधन में बीकानेर चली गई, तो इनकी एक छुट्टी में भी इन्होंने ली होगी, एक छुट्टी इन्होंने ली थी। और 24 और 25 को गुड़गांव में इवेंट है यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव वुमेंस ओनली चैप्टर वाला है, जो कि एक दिन में 2 इवेंट होते हैं, ठीक है। एक 10 बजे वाला आपके पास टाइम होता है 10 से 2 का, और एक आपके पास होता है 3 से 7 का। उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया, मैं चाहती थी कि मैं 3 बजे वाला बोलूँ टाइमिंग, बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं 10 बजे वाला ले लो, जल्दी फ्री हो जाएंगे। तो यहीं पे मेरी एक गलती हो गई कि मैंने 10 बजे वाला करवा लिया। तो अब हमने सोचा भी, मेरी भाभी ने भी, अभी भी जब मैं बीकानेर गई तो मेरे फैमिली वालों ने बहुत फोर्स किया कि नहीं तुझे जाना चाहिए, बहुत अच्छा मौका है, जो लोगों को तो मौका मिलता ही नहीं है, तुझे ये मौका मिला है तो इसे भुलाना चाहिए। बट मैं टेंशन में आ गई कैसे जाएंगे, क्योंकि अभी वेदर कंडीशन ठीक नहीं, हर जगह बारिश हो रही, और जाना हमें अपनी गाड़ी में था ताकि, क्योंकि पास ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है, 4 घंटे या 4.5 घंटे का रास्ता है। तो जाना हमें अपनी गाड़ी में था। फिर मैं चाहती थी कि एक होटल में स्टे करूं और तैयार होके जाऊं। देखो, यूट्यूब इवेंट में जा रहे हो, कुछ बड़े क्रिएटर्स भी आएंगे, तो जाहिर सी बात है आपको प्रेजेंटेबल होके जाना होता है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अपन यहाँ से निकलेंगे सुबह सुबह और फिर वहाँ पहुँच जाएंगे, बट इतना टाइम नहीं था, और कहीं ऐसे में जाम भी उस साइड बहुत लगता है, जाम लग जाए, कोई बारिश वारिश हो रखी हो तो उसकी वजह से हम लेट हो जाए। तो वहाँ पे क्या था कि एंट्री 45 मिनट पहले करनी होती है इवेंट में, 10 बजे का इवेंट है तो आपको 45 मिनट पहले वहाँ पे पहुँचना होता है, मतलब कि, और फिर 11 बजे बाद एंट्री नहीं मिलती है। तो मैंने कहा नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा, और ना ही मेरी कोई तैयारी, क्योंकि मेरे माइंड से सारा निकल गया, राखी की तैयारी के चक्कर में मेरे माइंड से सब कुछ निकल गया कि ये इवेंट भी है। तो मैंने इवेंट में जाने की कोई तैयारी नहीं की, कोई ड्रेस नहीं ली, कुछ नहीं। हालांकि ड्रेसेस आप पहन सकते हो, लेकिन एक लगता है ना यार कि चलो इस इवेंट में जाने का मौका मिल रहा है तो एक अच्छी सी ड्रेस हो, अच्छे से तैयार होके जाए, तो वो तैयारी मेरी थी ही नहीं। और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी टाइम नहीं, क्योंकि 4 से 5 में टाइम होता गया तो उस टाइम पर इलू की ट्यूशन होती है, तो वो जैसे ही ऑफिस से आते हैं तो वैसे ही इलू की ट्यूशन पर उसे छोड़ना होता है। तो मेरे पास मार्केट का भी टाइम नहीं था, और इतना भी टाइम नहीं था कि मैं ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर लूँ, 2 दिन में नहीं आ सकता ना, इसलिए। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई, और मुझे तो इवेंट अटेंड करना था, मेरी बहुत दिली इच्छा थी, लेकिन ये सब कंडीशन चल रही थी कि मौसम बहुत ख़राब है, कोई ट्रैफिक जैम भी लग सकता है, ये वो, या फिर आज ही रात हम लोग निकलते। लेकिन मैं बस या ट्रेन से नहीं निकलना चाहती थी, क्योंकि मुझे वहाँ पे अपनी गाड़ी जो है चाहिए, ताकि जहाँ पे भी हम स्टे करें तो वहाँ से हम जहाँ पे इवेंट हो रहा है वहाँ तक जा सकें। तो वो ज़्यादा सही रहता है यार, कि बदले कि आप कैब बुक कराओ, ये करो वो करो और फिर वहाँ तक जाओ, तो अपनी गाड़ी का तो भरोसा होता है ना, इसलिए। तो ना ही मेरे पास तैयारी, ना ही मेरे पास कुछ टाइम, और मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो चुका था। जब 21 अगस्त को मेरे पास मेल आता है कंफर्मेशन का, तब मैं बहुत टेंशन में आ जाती हूँ कि यार मैं कैसे करूँ, मैं कैसे जाऊँगी, और मुझे तो इस इवेंट में जाने का मौका मिला तो मैं कैसे करूँ। जयपुर वाला मेरे हाथ से निकल चुका था क्योंकि मेरी ही देरी की वजह से, हालांकि इन्विटेशन मुझे जयपुर इवेंट के लिए ही आया था, बट फिर मैंने गुड़गांव वाला किया क्योंकि वो निकल चुका था। तो फिर मैं बहुत टेंशन में आ गई, मैंने इन 2 दिनों में कोई ब्लॉगिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, और मैं YouTube में वीडियोस देखने लगी कि अगर कि मैं रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा देती हूँ। अभी भी मेरे पास एक मौका था, क्योंकि हमारे घर के पास, वरना चेन्नई और गुवाहाटी में होने वाले अब इवेंट आगे के जो भी नेक्स्ट मंथ में होने वाले हैं, बट मेरे पास एक मौका था नोएडा वाला बचा हुआ था, क्योंकि जयपुर से थोड़ा करीब पड़ेगा नोएडा। तो लेकिन मुझे ये डर था क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये हुआ था, फर्स्ट टाइम मुझे इन्विटेशन आया था, फर्स्ट टाइम अगर मैं रजिस्ट्रेशन करवा चुकी थी। अब मैं सोच रही थी कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा देती हूँ और मैं नोएडा वाले का क्या करवा लेती हूँ, लेकिन मुझे कन्फ्यूज़न था कि अगर मैं ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाती हूँ तो मेरा सब कुछ ही कैंसिल ना हो जाए, तो मैं यहाँ से 24 वाले इवेंट से भी जाऊँ और नोएडा वाले इवेंट से भी जाऊँ, दोनों तरफ से मैं चली जाऊँ। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे टेंशन चल रही थी, जिसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो भी नहीं बना रही थी।
फिर जो है मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, तो मुझे उनमें कोई वीडियो दिखाई नहीं थी कि कैंसिल करवा के आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो क्या, तो वो वैसी वीडियो मुझे कुछ दिखाई नहीं दी। और जब ये वीडियोस देखी तो एक चीज़ और मुझे पता चली जो कि मैं आगे बताऊँ। फिर कल रात मैंने बहुत टेंशन में थी, खाना वाना हम खा रहे थे, उतने में हमने तीनों ने, मैंने, मेरे हस्बैंड ने और बेटी ने भगवान का नाम लेके उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाया। मैंने कहा चलो भगवान का नाम लेकिन कैंसिल होगा तो कैंसिल कैंसिल करवाते हैं और देखते हैं कि आगे वाला रजिस्ट्रेशन मुझे मिल जाता है क्या। तो कैंसिल करवाया, फिर मैंने देखा कि नोएडा वाले इवेंट में मैं रजिस्टर कर सकती हूँ क्या, रिजर्व कर सकती हूँ क्या अपनी सीट, तो मुझे वो ऑप्शन मिल गया। तो मैंने नोएडा वाला जो है वो यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव वाला जो इवेंट है उसका नोएडा वाला मैंने रिजर्व कर लिया। इस बार मैंने ये गलती नहीं की कि मैं 10 बजे वाला टाइमिंग नहीं लिया, मैंने 3 बजे वाला टाइमिंग लिया है, ताकि अगर मैं ये इवेंट होने वाला है 5 तारीख को नोएडा में, 2 दिन होंगे और हर दिन दो दो इवेंट हो रहे हैं, ठीक है, अभी भी कल और परसों है गुड़गांव वाला। अब देखो वेन्यू भी मेरे पास आ चुका है, अगले दिन 22 तारीख को मेरे पास कन्फर्मेशन 21 को आया था और 22, फिर मैं टेंशन में आ गई, मेरे पास तो अभी तक टेस्ट होटल का नाम नहीं आया, कहाँ कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, एक कोड आता है वो भी नहीं आता। फिर 22 तारीख को मेरे पास लास्ट वो मेल भी आ गया कि आपका कोड ये है और आपको यहाँ पे पहुँचना है, और जो होस्ट कर रहे हैं उनके नाम भी आ गए, जिनमें से दो के नाम तो मुझे याद है, पायल सिंह और एक प्रशस्ति सिंह स्टैंड अप, ये लोग होस्ट कर रहे हैं कल के इवेंट को। और वेन्यू मैं बता नहीं सकती क्योंकि ये चीज़ बताई नहीं जा सकती जब तक कि इवेंट ना हो जाए, और गुड़गांव में है तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि कहाँ हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं बहुत टेंशन में थी, लेकिन फिर मैंने रात को भगवान का नाम लेके हमने कैंसिल करवाया रजिस्ट्रेशन और नोएडा वाला हमने बुक कराया, तो भगवान की दया से वो रजिस्ट्रेशन हो गया। पहले तो वो कैंसिल करवाया तो मैं मेल आया मेरे पास कि थैंक्स आपने कैंसिल करवाया, मतलब ये होता है कि अगर आप पहुंच रहे हो तो ठीक है, वरना आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकते हो, ठीक है। तो मैंने करवाया और मेरे पास रजिस्ट्रेशन का आ गया कि हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन, आप रजिस्टर हो चुके हो नोएडा वाले इवेंट के लिए। तो मैंने 3 बजे वाला बुक करवाया, तो मुझे एक शांति है। अब मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे वापस से कन्फर्मेशन मेल आ जाएगा, क्योंकि देखो एक बार मुझे मेल आ गया था, मुझे जगह मिल गई, मुझे कोड मिल गया, तो अब मैं कह नहीं सकती, क्योंकि पहले भी लोगों ने, मुझसे ही पहले लोगों ने, क्योंकि ये तो मेल कब का आ चुका है लोगों के पास, ठीक है, क्रिएटर्स के पास, यूट्यूबर्स के पास, तो उन लोगों ने अगर नोएडा वाला सीट्स भर गई होंगी तो नहीं आएगा, बट नहीं भरी होगी तो मुझे फिर से कन्फर्मेशन मेल आ जाएगा, जिसके लिए आप लोग दुआ करना, क्योंकि मुझे इस इवेंट में जाने की बहुत इच्छा है, तो आप दुआ करना। तो ये चीज़ देखो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है एक यूट्यूबर के लिए कि यूट्यूब आपको इस इवेंट में इनवाइट करे, तो मुझे ये इनविटेशन मिला, मुझे कंफर्मेशन मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, सिल्वर प्ले बटन जितना ही है मेरे लिए, और ये चीज़ मेरी यूट्यूब चैनल पे भी रहनी चाहिए। ये सब कुछ ना मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, जो भी मुझे 17 जून को जो मेल आया, जो 26 जून को मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, 21 अगस्त को जो मेरे पास कन्फर्मेशन मेल आया, 22 अगस्त को वेन्यू वाला तो अभी नहीं लगा पाऊंगी क्योंकि अभी 24-25 को है इवेंट, तो वो मैं बता नहीं सकती किसी को, है ना। तो ये मैंने करवा लिया, लेकिन इन सब चीज़ों को चेक करने के चक्कर में कि क्या ऐसा कर सकती हूँ क्या नहीं, जो मैंने वीडियोस देखी ना उसमें एक चीज़ और मुझे पता चली, क्योंकि मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें कि किसी ने बोला कि मेरे पास YouTube का इनविटेशन आया, ठीक है, आपको YouTube ने सेलेक्ट किया, जैसे कि मुझे YouTube ने सेलेक्ट कर लिया इवेंट में बुलाने के लिए, ठीक है, आप वो लिंक जो है औरों के साथ भी शेयर कर सकते हो, अगर आपकी कोई फैमिली में यूट्यूबर है या फ्रेंड्स है, तो ऐसा कुछ था उस वीडियो में मैंने देखा, तो देखा तो भैया मैंने कहा यार मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, मेरे घर में भी यूट्यूबर्स हैं बहुत, ये इवेंट में मुझे इनविटेशन मिला है, तो इस इनविटेशन मेल की लिंक मैं भी शेयर कर सकती हूँ। अब ये चीज़ सही है नहीं है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, बट मैंने भी फिर अपने फैमिली मेम्बर से शेयर की, ठीक है, तो देखते हैं, क्योंकि मेरी फैमिली में देखो सभी यूट्यूबर और हम लोग साथ में जाएँ तो कितनी अच्छी बात है, तो मैंने भी वो लिंक शेयर की। ये धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है क्योंकि YouTube में ये वीडियो डालूंगी तो ये सही है नहीं है, लेकिन मैं सच बोलती हूँ यार, सच के सिवा कुछ नहीं बोलती हूँ, इसलिए तो ये चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी कि ये इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है मेरे लिए। तो आप लोग मेरे YouTube फैमिली मेम्बर हो तो ये आप लोगों को भी जानना बनता है, आप लोगों का भी हक बनता है, क्योंकि आप मेरी YouTube जर्नी में साथ रहे हो, क्योंकि जो आप लोगों को देखते हैं उन्हीं की वजह से आप अर्न करते हो, उन्हीं की वजह से आपको ये मौका मिला है। तो मेरा अगर बस चलता, मेरे पास ये ऑप्शन होता कि मैं अपनी पूरी YouTube फैमिली को भी लेके जा सकती होती उस इवेंट में, तो मैं ज़रूर से आप लोगों को भी इनवाइट करती,
बट इस इवेंट में एक चैनल से एक ही बंदा जा सकता है, इवन आपका हस्बैंड और आपका बच्चा भी नहीं जा सकता है, ठीक है। अगर आप यूट्यूब आप वीडियोज में पार्टनर हो, जैसे कि दो हस्बैंड वाइफ मिलकर वीडियो बना रहे हैं तो वो दोनों जा सकते हैं, या कोई बच्चा है जो कि 18 साल से कम का है तो उसके साथ उसके माँ या पापा जा सकते हैं, ऐसा होता है, वरना एक चैनल से एक बंदा ही जो है वो जा सकता है। तो मुझे इन्विटेशन आया था तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो मेरे लिए सच में ये बहुत बड़ी बात है कि YouTube ने काबिल समझा और मुझे इनवाइट किया, ठीक है। तो ये गुड न्यूज़ थी, जाहिर सी बात है मेरी खुशी में आप लोग भी खुश होंगे, आप लोग भी अपनी प्राची को इस इवेंट में जाते हुए देखना चाहते होंगे, है ना। तो अगर चाहते हैं तो एक बार से मेरे लिए प्रे कीजिएगा कि मुझे वापस से कंफर्मेशन मेल जो है आ जाए, क्योंकि मैं अपने आप से ही मैंने वो कैंसिल किया है दूसरा वाला टाइमिंग लेने के लिए, डे लेने के लिए। उस टाइम पे ना नवरात्रि भी, नवरात्र स्थापना होगी 3 तारीख को और 4 और 5 5 और 6 को वहाँ पे इवेंट है, दो दो हैं, एक दिन में दो है, तो 3 बजे वाला इवेंट मैंने बुक करवाया, रिजर्व करवाया। अब देखते हैं, यूट्यूब वहाँ पे सीट्स बुक नहीं हुई होंगी तो मुझे भी मौका मिल जाएगा। और ये भी प्रे कीजिएगा कि मेरे साथ मेरे जो अगर फैमिली मेम्बर्स इस फॉर्म को फिल करेंगे तो उन्हें भी ये मौका मिले, ताकि एक यूट्यूबर के लिए इस इवेंट में जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं यूट्यूबर वो भी जाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से भी ये मौका मुझे मिला है।